एक कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। जेडीयू नेता को जेडीयू कार्यकर्ता ने हड़काया। कार्यकर्ता बोला, हम हैं तो आप मंत्री हो। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि एक कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और काम न करने पर मंत्री को ही डांट दिया। दरअसल गुरुवार को पटना में जेडीयू ऑफिस में जनता दरबार लगाया गया था, जहां उस वक्त एक जेडीयू कार्यकर्ता अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था और कार्यकर्ता ने मंत्री मदन सहनी को हड़का दिया। नाराज कार्यकर्ता ने कहा, उनके जैसे लोगों के कारण ही पार्टी आज गर्त में जा रही है। काम नहीं होने से नाराज कार्यकर्ता ने कहा, हम हैं तो आप हैं, ये समझ जाइए। जब आपसे काम नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद मंत्री महोदय भी अपने तेवर में आ गए और कार्यकर्ता से कहा, क्या करेगा, हटा देगा, हटा दो, फालतू बकवास करते हो। मंत्री मदन सैनी ने कहा, उसका काम नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। आपको बता दें, गुरुवार को जेडीयू के दफ्तर में सरकार के दो मंत्री मदन सहनी और शीला मंडल कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनने के लिए बैठे हुए थे। यहां लोगों की समस्या को सुनने के लिए हर दिन सरकार के दो या तीन मंत्री प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहते हैं। इसी कड़ी में मंत्री मदन सहनी और शीला मंडल कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस बीच वहां अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक कार्यकर्ता ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जेडीयू कार्यकर्ता ने कहा कि जब कार्यकर्ताओं का काम नहीं करना है तो किस लिए जनता दरबार लगाया जा रहा है। नाराज कार्यकर्ता ने मंत्री मदन सहनी से कहा कि कार्यकर्ता है तभी पार्टी है और वे मंत्री बने हुए हैं, काम नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। इस पर मंत्री मदन सैनी भड़क गए और कहा कि नहीं करेंगे, क्या करेगा, हटा दे, कोई डरता है क्या। मंत्री मदन सैनी ने कहा कि जनता दरबार में घुसकर फालतू बकवास करते हो, तुम हटा दोगे क्या। इसके बाद कार्यकर्ता यह कहते हुए वहां से बाहर निकल गया कि इन लोगों से कोई काम नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।